ग्वालियर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर रविवार को सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। कोरोना वायरस के कारण सामूहिक कार्यक्रम और आयोजनों पर रोक लगी हुई है। ग्वालियर चंबल अंचल में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या के देखते हुए वैसे भी रविवार को टोटल लॉकडाउन जिला प्रशासन ने घोषित कर दिया था, लेकिन कुछ योगाचार्यों ने अपने क्लास के माध्यम से लोगों को योग से लाभान्वित किया और सोशल मीडिया के जरिए इसका लाइव प्रसारण भी किया, ताकि लोग कोरोना महामारी के चलते योग की महत्ता समझें और कुछ विशेष प्रकार के योग जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काम आते हैं उन्हें करें। युवाओं का कहना है कि योग करने से शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और किसी भी परिस्थिति में डिप्रेशन से भी दूर रहता है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और इस कोरोना काल से के चलते योग करना अति आवश्यक है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था और भी कई संस्थाएं, कई योग प्रशिक्षक सब लोग योग पे बहुत काम कर रहे हैं और ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि वो योग अवश्य करें, अपने घर पे ही करें, जो समय उचित हो, जब वो फ्री हो उस समय योग करें। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। मेरा आपसे अनुरोध है, आप योग को ना केवल योग दिवस के उपलक्ष्य में करें बल्कि इसे अपने जीवन में लाएं, अपनी दिनचर्या में इसको करें, जिससे आपको सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा प्राप्त हो। जैसा कि आप जानते हैं, जो COVID-19 बीमारी चल रही है वो ज़्यादातर हमारे लंग्स और हमारे हार्ट को अफेक्ट कर रही है। इससे बचने के लिए आप अष्टांग योग का अनुसरण करें। इसमें 8 चीज़ों को दिया गया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यदि आप यम करते हैं तो अपने विचारों की शुद्धि करते हैं, अपने स्वयं को नियंत्रित रखते हैं। नियम, जिसके करने से आप अपनी स्वच्छता, तप का ध्यान रख सकते हैं। आसन, जिसके करने से आप अपने शरीर की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, आपकी जो लंग कैपेसिटी है उसे बढ़ाने के लिए आप भुजंग आसन, उष्ट्रासन व मंडूक आसन करें। इन्हें करने से आपकी लंग कैपेसिटी अच्छी होगी तथा आप COVID-19 से मुक्त हो सकते हैं। सूर्य नमस्कार का भी निरंतर अभ्यास करें आप अपने, व कुछ शुद्धि क्रियाएं हैं जैसे कि जल नेति, सूत्र नेति, इन्हें करने से हमारे नासिका छिद्रों का शुद्धिकरण होता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।